बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि क्लास आपको पता है कि हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 5 पॉइंट कर लिया था, ठीक है। आज उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक के हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे चैप्टर नंबर 5 के सर्कुलर मोशन के पहले 5 क्वेश्चन हैं, छठा क्वेश्चन बटन नहीं है, ठीक है। 6 क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद 7 क्वेश्चन है, 8 नहीं है, फिर 9, 10 एंड 11 है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये कहता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में फ़र्क क्या है? और अगर एक ऐसा व्हील है, चक्का है हमारे पास, या टायर है जिसका रेडियस हमें पता है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ हमारे पास हो तो हम दूसरी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताया हुआ क्लास में भी कि जो ये लफ्ज़ है टेंजेंट, ठीक है, ये जो लफ्ज़ टेंजेंट है ये क्या होता है? ये किसी भी सर्कल के ऊपर ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर टच करती है। तो हमें पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है किसी भी सर्कुलर मोशन की, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी ही या उसको कहा जाता है, ठीक। तो जो इसकी डेफिनेशन वो ये कहता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। या कर कैसे पार्टिकल जो गोल घूम रहा हो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। इसी तरह बेटा एंगुलर वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या, वो जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का बड़ा फर्क होता है। इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको हम राइट हैंड रूल से। अब अगर हमें सर्कल का रेडियस, उस व्हील का रेडियस पता है, ठीक है, मतलब आर पता है, और इन दोनों में से वी पता हो या बेटा ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, उन दोनों में से कोई एक चीज़ पता हो, हम दूसरी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के फार्मूले से, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है वो पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ट बाय सेंट्रीपेटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो द सर्कुलर पाथ। कहता है ये बताओ कि पहले तो सेंट्रीपेटल फोर्स होती क्या है, दूसरी चीज क्यों ये जरूरी है कि अगर हमने किसी भी बॉडी को जब सर्कल में मूव करवाना है, ये मूव कर रही है, तो उसकी ये फोर्स उसको देना क्यों जरूरी है, मुहैया कराना क्यों जरूरी है? तो बेटा आप लोगों को भी पता है कि आमतौर पर बॉडी की जो मोशन होती है वो लीनियर मोशन होती है, स्ट्रेट। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल शेयर की गई है कि अगर आप किसी पत्थर को किसी धागे के साथ बांध के घुमा रहे हो और वो टूट जाए तो किधर को जाएगा, वो स्ट्रेट चला जाता है। तो पता है कितनी देर फिर वो उसको कौन सी चीज़ में मजबूर कर रही है कि सर्कल में घूमे? तो वो फोर्स जो क्या करती है, किसी भी बॉडी का नॉर्मली जो स्ट्रेट पाथ है, सीधा रास्ता है, उसको बदल कर सर्कुलर पाथ में चेंज कर देती है। उस फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये हमेशा ही सर्कल के सेंटर की तरफ बैठ करती है, ठीक है, ये हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ, इसी वजह से वो क्या करती है, जो लीनियर की है डायरेक्शन वो लगातार हर पॉइंट पे चेंज करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज मीन्ट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी अहमियत, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है कि असल में ये क्या चीज़ है। ये किसी भी बॉडी जो कि सर्कल में मूव कर रही है, समझा सी बात, अगर सर्कल में मूव करिए तो बेटा उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ठीक है। सर्कल है, सर्कल का बच्चे कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा उस बॉडी के जो सर्कल में मूव कर रही है, और बॉडी है तो बेटा उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो कहता है ये है कि ये मास और इसके वो जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बॉडी का, उसके स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, वो इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चलो पता चल गया। कहता है इसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस भी बतानी है। तो कहता है सिग्निफिकेंस के इसकी ये है कि जो काम लीनियर मोशन के अंदर मास करता है, मतलब कि अगर बॉडी नहीं हो, मास ही नहीं हो, तो क्या किसी किस्म की फोर्स या मोशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यही कहता है कि जिस तरह लीनियर मोशन के अंदर जो काम मास करता है, एंगुलर मोशन के अंदर वही काम आपका इनर्शिया करता है, मतलब कि अगर इनर्शिया नहीं है तो उसको हम सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि बताओ कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है, ठीक है, और एक्सप्लेन करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम को हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। कहते हैं एंगुलर मोमेंटम उस समय हमारा क्या चीज़ है बच्चे, कि ये एक लीनियर मोमेंटम जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है किसके, इसका बेटे एक्सिस जो आपका पोजिशन वेक्टर आर, या जिसको आप बेटे अभी ऊपर देखा है आप लोगों ने, रेडियस भी कह सकते हो, ठीक
ठीक है, हाफ इंच को बैठे डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सेस रोटेशन भी कह सकते हो। तो कहते हैं इसके दरमियान, और आपका जो ठीक है, जो लीनियर मोमेंटम के दरमियान और पोजीशन वेक्टर आर के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है, हम उसको क्या कह देते हैं, एंगुलर मोमेंटम कह देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एक और फॉर्म जो इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी है, वो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा भी। ठीक है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब दूसरी चीज़ के लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या चीज़ है, अगर हम हमारी किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना कर रहा हो, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना कर रहा हो, तो तब कहता है कि हमारा जो मोमेंटम है टोटल सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बैठे वो कहता है कि एक न्यूमेरिकल टाइप है, डेरिवेशन है छोटी सी, कहता प्रूव करो कि शो करो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल नॉट, ठीक है, ये एम वी आर की इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन से लेके चलेंगे, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब अगर आपको पता है कि भाई हमें क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज करना पड़े मैग्नीट्यूड्स के अंदर, तो वो आर पी साइन थीटा के साथ यू फैक्टर आ जाता है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो पी है ये लीनियर मोमेंटम है एम वी, और जो एंगल होता है, ठीक है, कोई भी बॉडी जो बैठा है सर्कल में लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन अगर इस तरफ हुआ है इसमें, और बचे जो आपका रेडियस है इसके दरमियान, हमेशा एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो यही वैल्यूज कहता है अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो साइन 90 डिग्री का आंसर क्या आता है हमारे पास, साइन 90 डिग्री का आंसर 1 आता है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, अब हमारे पास, ठीक है, जब हमारे पता है कि भाई इसका साइन 90 डिग्री का आंसर 1 है, तो हमारे पास एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, शो करना था, हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो एम वी आर के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इट इज स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, फैक्टर्स की डायरेक्शन बताओ। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, एंगुलर वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल सी बात है, दोनों एंगुलर मोशन है तो राइट हैंड रूल से हम बताते हैं, और राइट हैंड रूल जब अगर हम अपने हाथ में इस बॉडी को जो मोशन हो उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें, मोड़ लें, ठीक है, अपनी फिंगर्स को मोड़ें, तो कहता है जो थंब है ना हमारा वो बेसिकली पॉइंट करेगा किस डायरेक्शन के अंदर, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की। तो जो डायरेक्शन बेटे जिस तरह कोलिनियर सिस्टम में पता है कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही लीनियर मोमेंटम की होती है, इसी तरीके से जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो यही राइट हैंड रूल से, और वो क्या बनती है डायरेक्शन, वो बनती है बेटे अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ठीक है, राइट हैंड रूल से। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अगर एक साइकिल है उसके टायर को लगी हुई है मड, व्हेन अ मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ द मूविंग बाइसाइकिल इन वट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, मतलब कि कीचड़ कहता है लगा हुआ है साइकिल के टायर को, कहता है जब वो उतर के चलती हुई साइकिल से गिरेगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको गौर करो स्टार्टिंग में बताया था कि भाई होता है क्या, अगर आप किसी पत्थर को रस्सी के साथ बांध के घुमाएं और वो एकदम टूट जाए तो वो किस डायरेक्शन में जाता है, जो उसकी लीनियर डायरेक्शन होती है जो कि अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। सेम वही चीज़ कहता है कि भाई सर्कल में मूव कर रहा है तो बेटा वो जो कीचड़ है वो उससे अलग हुआ, अलग हो के वो क्या करेगा, वो टायर तो सर्कल में मूव कर रहा है लेकिन जो मड है वो लीनियर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, और वो डायरेक्शन क्या बनती है, वो बनती है बेटा अलॉन्ग द टेंजेंट, या जो डायरेक्शन आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की लीनियर वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन के अंदर आपका क्या करेगा कि वो मड मूव करके। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है कि एक डिस्क है और हुक है, वो मूव करना स्टार्ट करती है एक ऊंची जगह से, इंक्लाइंड पे मतलब बेटा ढलवानी जगह से सेम टाइम पे, कहता है ये बताओ कौन बॉटम पे पहले पहुंचेगा या कौन तेज हाई स्पीड के साथ मूव करेगा। तो इसकी अगर आपको याद हो दोनों के जो इक्वेशन थी हमारे पास, डिस्क की वेलोसिटी की हमने वो खुद फाइंड की थी बेटा, इसी तरह हुक की वेलोसिटी की भी हमने इक्वेशन फाइंड की थी, तो इनका जो आपस में रिलेशन बना था डिस्क और हुक का कुछ इस फॉर्म का था। तो कहते हैं कि जो दरमियान में अंडर रूट 4/3 आंसर है, इसका जो आंसर है वो बेटा 1 से ग्रेटर रहता है, कहता है 1 से ग्रेटर आता है, तो जब हम 1 से इसका आंसर ही ग्रेटर आता है तो उसका बेटे क्या बनेगा कि हमें ये पता चल गया कि जो डिस्क की वेलोसिटी है वो हुक की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। ठीक है, डिस्क की वेलोसिटी हुक की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तो मतलब ये है कि बेटा डिस्क जो है वो हाई स्पीड पे मूव करेगी, हुक जो है वो स्पीड कम से मूव करेगी, इसका मतलब है कि जब बॉटम पे पहुँचेंगे तो डिस्क की स्पीड ज़्यादा होगी और वो जल्दी पहुँचेंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाई डज द डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर डाइविंग इन द पूल, कहते हैं भाई
स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाने पहले गोताखोर अपनी बॉडी को मोड़ता क्यों या अपनी पोजीशन बदलता क्यों? तो बेटा असल में वो फॉलो करना चाह रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। करना क्या होता है उसने, उसने बेटे करना होता है कि बहुत सारे करतब दिखाने होते हैं, मतलब कि पूल के अंदर जाने से पहले पहले उसने काफी तेजी से घूमना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डायग्राम में गौर करो, एक बार जब वो बोर्ड से निकल गया, छलांग लगा दी उसने, तो क्या किसी किस्म की कोई फोर्स उस पर लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जब उस पर फोर्स ही नहीं लग रही तो वो फिर एक्स्ट्रा स्पीड कहाँ से लेके आएगा? जो कहते हैं इसका जवाब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर, कि बेटे जब उस शुरू में हाथ तक देखें खुले हैं, दूर दूर है, तो बेटा उसका इनर्शिया जो है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, और उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। लेकिन एक बार जब वो जंप कर गया, जंप करने के बाद वो क्या करता है स्पीड बढ़ाने के लिए, कि जब वो अपने आप को कर्ल करता है, मोड़ता है, अपने घुटने सीने के पास लेके जाता है, तो बेटा उसका इनर्शिया कम हो जाता है। इनर्शिया क्योंकि बेटा उसका रेडियस कम हो गया, जब रेडियस कम होता है तो उसका इनर्शिया कम हो जाता है, जब इनर्शिया कम हो जाता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए वेलोसिटी को ऑटोमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ता है। तो यही वो कहता है कि बाद वाली जो वेलोसिटी है, जब वो मुड़ जाता है अपने घुटने सीने के पास ले जाता है, तो बेटा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चेंज नहीं होना, वो ओबे होना है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट, मतलब थोड़े से दो चार ज़्यादा करतब या ज़्यादा जोर के साथ चक्कर लगाते हैं, इससे पहले कि वो बोर्ड के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जब समरसॉल्ट करता है तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। इस वजह से डाइवर क्या करता है कि अपने बॉडी को चेंज करता है, और ये आप लोगों ने देखा भी होगा अक्सर ओलंपिक्स वगैरह में, कि जैसे बोर्ड से वो छलांग लगाता है तो क्या करता है, अपने आप को मोड़ लेता है, तो क्या करता है, वो बड़ी तेज़ी से घूमता और पानी के अंदर फिर सीधा सरा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बेटा आपका चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और फिर उनको देखेंगे कैसे। ओके बच्चे, अल्लाह।